मिस्टर टीबी सिंह साहब से करवाएंगे, जो कि डीएफओ भदरवा भी रहे और वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी स्मगलर्स के खिलाफ जो है वहाँ पे मुहिम जारी रखी और बड़े बड़े स्मगलर्स के ग्रो जो थे उनको बस्ट किया और प्लांटेशन ड्राइव शुरू की इन्होंने भदरवा के अंदर। और जितने दो साल तक वहाँ पे रहे और कॉलेज डिग्री कॉलेज भदरवा कैंपस और डोडा भदरवा रोड पे भी इन्होंने प्लांटेशन ड्राइव की जिसकी काफ़ी लोगों ने सराहना की। और उसके बाद इनको मौका मिला कि आज ये कंजर्वेटर हैं चिनाब सर्कल के, जिसमें किश्तवाड़, डोडा और रामबन डिस्ट्रिक्ट के तीनों डिस्ट्रिक्टों के कंजर्वेटर हैं। और जब से इन्होंने चिनाब सर्कल का यहाँ पे अज्यूम किया है यहाँ पे चेयर को, तब से इन्होंने प्लांटेशन ड्राइव जैसे भदरवा में शुरू की थी उसी प्रकार से पूरे चिनाब खत्ता में इन्होंने प्लांटेशन ड्राइव शुरू की है। और कई कड़े फैसले भी इन्होंने लिए, इन्होंने स्मगलर्स के लिए ज़ीरो टॉलरेंस इन्होंने पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करके रखी है। और अपने डिपार्टमेंट्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके साथ भी लीनियंसी बहुत कम, जीरो टॉलरेंस जो है उनके साथ बरता जा रहा है। तो इन्हीं के साथ हम बात करेंगे कि इनका विजन क्या है, फर्दर 2018 आने वाला है उसके लिए क्या करेंगे, और ये और 2017 जो है वो कैसा रहा हमारे लिए, उसके लिए क्या किया। हम चिनाब सर्कल के इस पूरा जो चिनाब वैली वेस्ट वाइल्ड डिस्ट्रिक्ट डोडा का ये रीजन है, इसमें हम इस साल 2017-18 के विंटर प्लांटेशन जो करने जा रहे हैं, जो इसका आगाज अभी दो दिन पहले ही हमने जो हर टनल के एरिया से शुरू किया और पूरे एरिया और जंगल के रस्ते में पड़ रहे हैं, वहाँ प्लांटिंग करते करते हम पत्नी टॉप तक शाम तक उस दिन करते आए, एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है कि उस दिन लगभग हमने 50,000 से ज़्यादा देवदार, कायल और कुछ अहम जगहों पे चिनार के पेड़ भी लगाए, जिसका मुहिम का आगाज़ किया। हमारे ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टर जनाब चौधरी लाल सिंह जी का ये आदेश है कि जितने भी डिग्रेडेड एरियाज़ हैं पूरी जम्मू कश्मीर स्टेट में, वहाँ प्लांटेशन करनी है और उस एरिया को फिर रिहैबिलिटेट करके एक और ये बहुत ग्रीन बेल्ट बनाना है। उसी उनके इस मिशन को आगे चलाते हुए इस साल हम पूरे चिनाब वैली में जहाँ की 6 डिवीजन फॉरेस्ट डिवीजन पड़ते हैं, जिनमें डोडा फॉरेस्ट डिवीजन, भदरवा फॉरेस्ट डिवीजन, किश्तवाड़ फॉरेस्ट डिवीजन, मड़वा फॉरेस्ट डिवीजन, बटोट फॉरेस्ट डिवीजन और रामबन फॉरेस्ट डिवीजन के एरिया पड़ते हैं, इन सारे इलाके डिवीजनों में हम तकरीबन 7,24,000 प्लांट जो है हम लगाने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा टारगेट है ये और एक बहुत बड़ा मिशन है ये। और इसकी जो शुरुआत की है वो दो दिन पहले हमारे जे एंड के स्टेट के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो हैं श्री रवि केसर जी को, मंत्री साहब का वो उन्होंने खुद आना था वो टनल एरिया में इसकी प्लांटेशन का ड्राइव का आगाज़ करने के लिए, लेकिन उनको कुछ मसरूफियात की वजह से, चीफ मिनिस्टर साहिबा के साथ कुछ मसरूफियात होगी वजह से वो ना पहुँच पाए। तो उन्होंने हदायत की प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर साहब को, आप जाके तो इस मुहिम का आगाज़ करें, जिसमें और भी HODs आप सर्कल के जितने भी मुलाजम हमारे यहाँ, जो हमारे टारगेट्स हैं हमने ये पूरे के पूरे अचीव करने हैं। और हमारा ये एक लक्ष्य रहेगा कि हम जितने भी डिग्रेडेड एरियाज़ हैं और जितनी हमारी फंड्स अवेलेबिलिटी होती है उसके हिसाब से एरिया जो हमने रिहैबिलिटेट, डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए सर क्या आपने स्टेप उठाए पिछले एक साल से, और फर्दर क्या स्टेप्स उठाने जा रहे हैं। हमने यहाँ इससे पहले भी हम भदरवा डिवीजन में रह के आए हैं, तो हमने जो जो स्मगलिंग या जंगल चोर होते थे उनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की है, उनको हमने दबोचा, उनको हमने पकड़ा, उनके खिलाफ हमने FIR लगाए हैं, उनको हमने अरेस्ट करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हुई है। और उनके जितने भी वो प्रोग्राम चलते, जहाँ भी वो जाते थे जंगल जंगल से, उनको हमने वहाँ पूरा दबोच लिया है और अब कोई भी जंगल की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रहा है। तो जो एम्प्लॉयज जो उनके साथ सर कभी हैंड इन ग्लोव पाया जाता था, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई कोई की गई? वो भी कहीं कहीं हमें मिली शिकायत जाँच के दौरान मिली कि कुछ हमारे जो फील्ड के लोग हैं वो कभी उनके साथ उनका मिल जाते हैं या उनकी शह से या उनकी कनाइवन से कभी वो डैमेज के करवा देते हैं, लेकिन इंक्वायरी में जो भी मुलवस पाया उसके खिलाफ हमने सख्त से सख्त कार्रवाई की, उनको सस्पेंड किया। और यहाँ तक कि जितना हमारा कौमी सरमाया नुकसान हुआ उनकी नेग्लिजेंस की वजह से या उनकी डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी की वजह से, हमने वो सारा नुकसान उनसे रिकवर करवाया, उनकी तनख्वाह से वो हमने वो डैमेज नुकसान जो है वो रिकवर किया है। और फर्दर
जो अगर किसी की प्रमोशन ड्यू होती है तो उसकी प्रमोशन भी रुक गई इसी वजह से कि ही हैज़ नॉट बीन एबल टू कंट्रोल और परफॉर्म हिज ड्यूटीज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। फर्दर आपका सर क्या मैसेज है लोगों के लिए खिताए चिनाब के? मेरे लोगों से यही उम्मीद है कि वो तावन रखें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ शाना बिशाना चलें, हमें अपना सहयोग दें। अगर कहीं से कोई भी कहीं जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है उसकी भी हमें खबर दें। हमारे टेलीफोन नंबर हर एक जगह पर लगे हुए हैं, हमने कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं वहाँ दें। इनक्रोचमेंट जो हमारे फॉरेस्ट एरिया में इनक्रोचमेंट है उसको खाली कर दें। हमने अभी तक 4,500 कनाल जो है चिनाब में खाली करवा चुके हैं इनक्रोचमेंट, जो फॉरेस्ट एरिया इनक्रोच हो चुका था वो हमने रिट्रीव कर लिया है, वापस ले आए हैं। कुछ एरिया हमने फेंस भी कर दिया है, उसके ऊपर दोबारा प्लांटेशन लगवाई हुई है, और बाकी जो एरिया हमने रिक्लेम किया है उसको भी फेंस कर रहे हैं। फर्दर मैं लोगों से कहूँगा कि जो ये फॉरेस्ट का एरिया है ये आप ही लोगों का एरिया है, ये आपकी मलकियत है, ये कौम की मलकियत है। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अपना एज सच कोई ऐसा रोल नहीं है कि वो कहे कि हमारा है और हमें कोई फ़ायदा मिलेगा, ना। ये अल्टीमेटली लोगों का ही फ़ायदा है। जितना फॉरेस्ट एरिया होगा उतना फॉरेस्ट कवर होगा, जितना फॉरेस्ट कवर होगा उतना ही हवा है, इकोसिस्टम है, माहौल है वो सही रहेगा, लोगों को ऑक्सीजन, लोगों को टिम्बर, लोगों को मवेशियों के लिए चारा, पानी, हर चीज़ मुहैया रहेगी। सर अपने भी पेड़ लोग लगाएं, अपनी ज़मीनों में भी पेड़ लगाएं, अगर ज़रूरत है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास लाखों की तादाद में पेड़ मौजूद है, नर्सरी में मौजूद है, वो ले सकते हैं हमसे, किसी भी DFO साहब से वो रब्ता काम करें, अपने प्लांट लें और अपने खाली जगहों में भी लगाएं, ताकि हमें जो है माहौल को सुधारने में। नहीं वो नहीं आ रही, वो नहीं लाया। पूरा क्लोज़ अप, पूरा